हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डियर एक्स मेडी हेल्प में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आस्थालिन सिरप के बारे में और जानेंगे इस सिरप के बारे में कंप्लीट डिटेल, जैसे कि क्या इसके यूजेज हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इसको हम किन किन इंडिकेशन में यूज कर सकते हैं, देन इसकी डोजेज क्या रहती हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो पर हमारे लास्ट तक बने रहिए, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये आस्थालिन सिरप के बारे में। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की इसकी पैकिंग आती है। ये एक प्लास्टिक की बोतल है और 100 ml का इसका पैक है। इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें साल्बुटामोल सल्फेट 2 mg दिया गया है, जो कि ईच 5 ml कंटेंट्स के साथ है, और इसको सिप्ला कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। और इसकी अगर हम MRP की बात करें तो ये 16.80 रुपये इसकी MRP है, तथा ये बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं इस सिरप के यूजेज के बारे में। तो दोस्तों, मुख्यतः जो आस्थालिन सिरप होती है, इसका यूज जिन मरीजों को या जिन व्यक्तियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिनको खांसी आ रही है, सांस उनकी फूल जाती है, उनको दमा या अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो ये इन सभी इंडिकेशन में इस सिरप का यूज किया जाता है। और उसके अलावा जिन व्यक्तियों को COPD की समस्या है, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्टेट्रिक पल्मोनरी डिजीज की समस्या है, या उनको लंग्स इन्फेक्शन, उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया है, या उनको ब्रोंकाइटिस की समस्या है, उनके सीने से घरघराहट की आवाज आती है, या आपके वायु मार्ग जिससे आप सांस लेते हैं उसमें सूजन आ गई है, जिस कारण उसकी जो स्पेस होता है वो कम हो गया है, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो इन सभी कंडीशन में आप आस्थालिन सिरप का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि जो इसमें साल्बुटामोल ड्रग है वो कैसे वर्क करता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो साल्बुटामोल है वो एक ब्रोंको डायलेटर है, जिसका काम जो वायुमार्ग होता है उसमें जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उनको रिड्यूस करने का होता है, जिससे अगर वायुमार्ग में आपके इन्फ्लामेशन कम हो जाएगी तो स्पेस ज्यादा हो जाएगा और आपको सांस लेने में आसानी होगी। तो इस तरह से ये वर्क करता है। चलिए अब हम बात करते हैं आस्थालिन सिरप के डोजेज के बारे में। तो दोस्तों, जो ये इसकी डोजेज होती हैं वो कंडीशन को देखते हुए उस पर निर्भर होती हैं। तो ये जो डोजेज हैं वो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि कितनी मात्रा में किस पेशेंट को देनी होती है। तो आप डॉक्टर की सलाह पर ही इस आस्थालिन सिरप का यूज करें। चलिए अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, जो आस्थालिन सिरप है, इसको लेने के बाद आपको कपकपी आ सकती है, आपके सिर में दर्द हो सकता है, आपको घबराहट या बेचैनी हो सकती है, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने आपको आस्थालिन सिरप के बारे में पूरी जानकारी दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।